नजारे। भारत का शायद ही कोई सिने प्रेमी होगा जो नदिया के पार फिल्म की गुंजा को ना जानता हो। गुंजा की मासूमियत और चंचलता ने केवल चंदन तिवारी का ही नहीं बल्कि जाने कितने लोगों का दिल जीता था। गुंजा का वो यादगार किरदार निभाने वाली उस एक्ट्रेस का नाम साधना सिंह है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो हमेशा से इन्हें गुंजा के नाम से ही जानते रहे, लेकिन आज हम आपको इनके आज से रूबरू करवाएंगे। साधना सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रहने वाले एक सिख परिवार में हुआ था। इनके माता पिता देश के बंटवारे के बाद लाहौर से वाराणसी आकर बस गए थे। भारत आने के बाद इनके पिता ने LIC में नौकरी करनी शुरू कर दी। साधना का जन्म भारत में ही हुआ था और क्योंकि इनके पिता का ट्रांसफर देश के अलग अलग शहरों में होता रहता था तो साधना का बचपन भी कई शहरों में गुजरा था। साधना की माँ एक गृहिणी थी। सभी भाई बहनों में साधना सबसे छोटी थी। साधना की माँ ने फिल्म लव इन शिमला की लीड हीरोइन साधना से प्रेरित होकर इनका नाम साधना रखा था। साधना सिंह कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। वो बचपन से ही गाने की शौकीन थी और बड़ी होकर गायिका बनना चाहती थी। साधना सिंह की बड़ी बहन दिल्ली में रहकर भारतीय कला केंद्र में पंडित बिरजू महाराज से नृत्य की शिक्षा ले रही थी। साधना की बड़ी बहन जिनका नाम सुरेंद्र कौर था, उन्हें राजश्री की एक फिल्म में काम करने का मौका मिला था। उस फिल्म का नाम था पायल की झनकार और फिल्म को सत्येन बोस ने डायरेक्ट किया था। साधना की बहन सुरेंद्र कौर को उस फिल्म में वीना नामक किरदार निभाने का मौका मिला। उस फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में सुरेंद्र कौर जी का मुंबई आना हुआ और क्योंकि वो मुंबई में एकदम अकेली थी तो उन्होंने अपनी बहन साधना को भी अपने पास मुंबई बुला लिया। मुंबई आने के बाद साधना अक्सर अपनी बहन सुरेंद्र के साथ पायल की झनकार फिल्म की शूटिंग देखने जाया करती थी। वहाँ अक्सर नदिया के पार के डायरेक्टर गोविंद मुनीश साधना को बड़े ध्यान से देखते रहते थे। दरअसल उस वक्त तक नदिया के पार फिल्म की स्क्रिप्ट तो पूरी हो चुकी थी लेकिन मुख्य हीरोइन के लिए कोई चेहरा नहीं मिल पा रहा था। गोविंद मुनीश को साधना में अपनी तलाश पूरी होती नजर आई। फिर जिस दिन साधना मुंबई से वापस वाराणसी आने वाली थी उसी दिन गोविंद मुनीश ने उन्हें नदिया के पार फिल्म में गुंजा का रोल निभाने का ऑफर दे दिया। क्योंकि साधना एक्ट्रेस नहीं बल्कि गायिका बनना चाहती थी तो उन्होंने गोविंद मुनीश को मना कर दिया, मगर जब साधना की बड़ी बहन सुरेंद्र कौर ने उन्हें समझाया तो वो मान गई और इस तरह गोविंद मुनीश को मिली नदिया के पार फिल्म की गुंजा। क्योंकि साधना वाराणसी में पली बड़ी थी तो उन्हें गाँव के माहौल का अंदाजा नहीं था। फिल्म की पूरी यूनिट जब उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के विजयपुर गांव पहुंची तो पहले दिन ही डायरेक्टर गोविंद मुनीश ने साधना को गांव के खेतों में दौड़ लगाने को कहा। साथ ही निर्देश दे दिया कि जब तक फिल्म की शूटिंग के लिए इस गांव में वो हैं, तब तक यहीं रहेंगी, उनकी जरूरत का सारा सामान उन्हें मिल जाएगा, उन्हें गांव छोड़कर कहीं भी नहीं जाना होगा, न ही गुंजा को ब्रश करने की इजाजत थी। गोविंद मुनीश ने उनसे कह दिया था कि उन्हें गांव के लोगों की तरह दातुन से ही अपने दांत साफ करने होंगे और किसी से अंग्रेजी में बात नहीं करनी होगी। गोविंद मुनीश के इन निर्देशों का नतीजा ये था कि बहुत ही थोड़े वक्त में साधना सिंह गुंजा के किरदार में एकदम ढल गई। गांव के माहौल में साधना कुछ ऐसी घुली मिली कि कोई कह नहीं सकता था कि ये लड़की शहर की रहने वाली है। एक इंटरव्यू में साधना सिंह ने नदिया के पार फिल्म के दौरान के अपने कुछ तजुर्बे बताते हुए कहा था कि गाँव के लोग से उनकी इतनी बढ़िया दोस्ती हो गई थी कि वो किसी के भी घर जाकर खाना खा लिया करती थी। फिल्म में उनकी शादी के सीन पहले ही शूट कर लिए गए थे जबकि शुरुआत के सीन बाद में शूट किए गए थे, लेकिन गांव की भोली भाली महिलाएं जब गुंजा को देखती थी तो वो उनसे कहती थी कि अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तो तुम्हें सिंदूर लगाकर रहना चाहिए और घूंघट भी करना चाहिए। वो बेचारी महिलाएं ये बात जानती ही नहीं थी कि आखिर असलियत है क्या। वो असली में शादी नहीं की थी बल्कि ये एक फिल्म थी। उस गांव के लोगों से साधना सिंह का रिश्ता इतना खास था कि जब शूटिंग खत्म करके साधना वापस मुंबई आ रही थी तो गांव की कुछ महिलाएं रोने लगी। उन्हें रोता देखकर साधना की आंखों से भी आंसू बह निकले। नदिया के पार के बाद यूं तो साधना ने कई फिल्मों में काम किया लेकिन साधना अपने दिल के करीब इक्का दुक्का फिल्मों को ही मानती है। इनमें से एक थी तुलसी जिसमें उनके हीरो एक बार फिर से सचिन पिलगांवकर ही थे। तुलसी में साधना ने डबल रोल निभाया था। दूसरी फिल्म जो साधना के दिल के करीब है वो है सुर संगम। उस फिल्म में जयप्रदा और गिरीश कर्नाड जैसे नामी कलाकार थे। यूं तो सुर संगम बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी लेकिन साधना सिंह को वो फिल्म और फिल्म का अपना किरदार हमेशा पसंद आया। सन 1986 में एक फिल्म आई बदकार जिसमें साधना सिंह महान संजीव कुमार के ऑपोजिट नजर आई थी।
इस फिल्म से जुड़ा एक रोचक किस्सा कुछ यूं है कि साधना और संजीव कुमार के ऊपर एक गाना शूट होना था, लेकिन जिस दिन वो गाना शूट होना था उस दिन संजीव कुमार शूटिंग पर बहुत देर से आए। साधना को काफी देर तक उनका इंतजार करना पड़ा। संजीव कुमार जब सेट पर आए तो साधना ने उन्हें टोक दिया और फिर अगले दिन से संजीव कुमार सेट पर टाइम से आने लगी। साधना सिंह ने बहुत ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया, हालांकि हिंदी के अलावा उन्होंने कुछ भोजपुरी भाषा के फिल्मों में जरूर काम किया, लेकिन जल्दी ही फिल्म इंडस्ट्री से वो दूर होने लगी। साल 1991 में आई फिल्म प्यार का सावन के बाद साधना ने खुद को फिल्मों से हमेशा के लिए दूर कर लिया। वजह थी उनका शादी करना। साधना ने भोजपुरी फिल्मों के नामी प्रोड्यूसर राजकुमार शाहबादी से शादी कर ली थी। इस शादी के बाद इनके दो बच्चे हुए। साधना की बेटी शीना शाहबादी भी एक्ट्रेस है, जबकि इनके बेटे के बारे में कोई जानकारी इंटरनेट पर नहीं मिल पाई है। बात अगर साधना सिंह के पिता राजकुमार शाहबादी की करें तो इनके पिता यानी साधना सिंह के ससुर बिसवनाथ प्रसाद शाहबादी ही वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाई भी बनाई थी, और वो फिल्म उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर बनाई थी। उस फिल्म में जबरदस्त अभिनेता नजीर और अभिनेत्री कुमकुम ने अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म इंडस्ट्री में साधना सिंह की दूसरी पारी शुरू हुई थी 2016 में आई फिल्म जुगनी से। इसके बाद साधना सिंह ने अनुराग कश्यप की मुक्केबाज में काम किया। फिर 2019 में आई फिल्म सुपर 30 में साधना सिंह ने ऋतिक रोशन की मां का किरदार निभाया। साधना की लास्ट रिलीज फिल्म थी 2022 में आई गिल्टी माइंड्स। फिल्मों के अलावा साधना ने ढेरों टीवी शोज में भी काम किया है। इन दोनों साधना सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियो वो अपनी फैंस के साथ शेयर करती हैं। हमारा चैनल साधना सिंह के सुखी जीवन और अच्छी सेहत की कामना करता है। नदिया के पार फिल्म के गोजा के किरदार को जितनी सजीवता से साधना सिंह ने जिया है शायद ही कोई दूसरी अदाकारा जी पाती। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।